विद्यालय खोला और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बा फुल्ले को शिक्षित कर उन्हें शिक्षा देने की प्रेरणा दी। मेरा निवेदन है सभी से, बारी बारी सिर्फ अपने पुष्प अर्पित करें। शिक्षित करने युवकों को उनको तिरस्कारी शब्द कहे जाते, उनको ताने कसे जाते और भी उन्हें बहुत कुछ कहा जाता। जहाँ वे जाते शिक्षित करने, वहाँ शोर मचाए जाते ताकि वे शिक्षित शिक्षा ना दे सके। पर नहीं, वे दृढ़ निश्चय कर चुके थे और वो अपने निश्चय से हिले नहीं, वे डटे रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि उनके कुछ होनहार छात्रों ने आगे जाकर समाज का विकास किया, स्वतंत्र सेनानी बने और भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो अब यह तो हुई बात जो कुछ लोगों ने ही मानी, पर अगर सब लोग ही उनकी बात पहले से मान लेते तो आज क्या होता? हमारा देश सबसे विकसित देशों में से एक हो सकता था और भी हमारे देश में जो कुरीतियाँ हैं वे ना होती। हर इंसान शिक्षित होता आज, और अगर हर इंसान शिक्षित होता तो बहुत कुछ हो सकता था। अब ये इतिहास था, इसको तो बदल नहीं सकते, पर अब जिसको बदल सकते हैं वो है भविष्य। और भविष्य तय होता है हमारे वर्तमान के आधार पर, जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में हो रहा है उसके आधार पर ही हमारा होगा। तो हर इंसान समझदार होगा, और अगर हर इंसान समझदार होगा तो कोई गुनाह नहीं करेगा, और अगर ना कोई गुनाह करेगा तो कोई गुनहगार नहीं होगा, और ऐसे हमारा देश ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ता चला जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले तो चले गए, पर उनकी जो सोच है वो अभी भी है। उनके नाम से कई संस्थाएं आज भी ये अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। वे अपनी ज़िंदगी के अंत तक ये अच्छे काम करते रहे। तो आइए आज आप सब मेरे साथ एक शपथ लीजिए, कृपया करके आप सब खड़े हो जाएं एक बार। ना दाया हाथ उठाएं। खुद शिक्षित होंगे, दूसरों को शिक्षित करवाएंगे, और जो शिक्षा का महत्व ना समझे उसको शिक्षा का महत्व समझाएंगे। शुक्रिया। आप सब बैठ सकते हैं। अब हम सब तो शिक्षा ले लेंगे, पर उनका क्या जो बेचारे गरीब हैं, उनके लिए जो अगर आप सब में से कोई 11वीं 12वीं पास कर चुका है या ग्रेजुएशन में है, तो आप अपना एक हाथ बढ़ाएं, एक कदम उठाएं कि आपके मोहल्ले में, गली में जो भी बच्चे हैं, कोई गरीब है, कोई कैसा भी है, उसको शिक्षा दें ताकि वे इतने योग्य बन सकें कि आगे जाकर वे ऐसे गरीब दूसरे अपने छोटे बच्चों को शिक्षा दे सकें। और ऐसे ये कदम आगे चलकर बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा। तो शिक्षा का भी पक्का हो गया कि लेकर रहेंगे, शिक्षा दिलवाकर भी रहेंगे, पर शिक्षा कैसी लेकर रहेंगे? आजकल होता क्या है स्कूलों में कि बच्चे विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं वहाँ पर उन्हें शिक्षक पढ़ाता है, और फिर वे घर आते हैं और फिर अगले दिन स्कूल जाते हैं, पता चलता है आज परीक्षा है, रट्टा लगाते हैं और परीक्षा दे देते हैं। पर इससे क्या हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ इस विद्यार्थी का? नहीं। असल शिक्षा के बारे में तो यह कहा जाता है कि असल शिक्षा वही है जिससे इंसान अपना चरित्र निर्माण कर सके, एक चरित्र गठन कर सके, शब्दों का सामंजस्य कर सके, विचार विमर्श कर सके, एक अच्छा समाज बना सके, अच्छे कदम उठा सके, लोगों का भला कर सके, एक समझदार इंसान बन सके, उसके अंदर मूल सिद्धांत आए। पर अब शिक्षा भी ले लेते हैं, और जैसे हमारे जो बड़े बड़े कुछ नेता होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो मूल सिद्धांत शिक्षा में बहुत ज़रूरी है, जिसका मंत्र हमें हमारे ज्योतिबा फुले जी ने दिया। उन्होंने मूल सिद्धांतों का मंत्र दिया कि एक शिक्षा होती क्या है, जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके, वही शिक्षा। शुक्रिया। तो मैं आप सबको महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जीवन से अवगत करा सकी, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, और आपका भी शुक्रिया कि आप समय निकालकर वक्त हमें दिया ताकि हम ये कर सकें।